नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। यूपी के सैन्य बेस को दहलाना चाहता था दाऊद इब्राहिम का शूटर मुन्ना झिंगाड़ा, एटीएस ने ऐसे किया पर्दाफाश। सितंबर 2000 में जिस मुन्ना झिंगाड़ा ने बैंकॉक में छोटा राजन पर गोलियां चलाई थी, वह इन दिनों फिर एक्टिव हो गया है। उसने यूपी में आतंकवादी हमले की बहुत बड़ी साजिश रची थी। यूपी एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक मुन्ना झिंगाड़ा का मामा अरमान सैयद भी है। यूपी एटीएस ने 2 दिन पहले गोंडा से मोहम्मद रईस को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें बताया कि रईस को अरमान सैयद ने ही मुन्ना झिंगाड़ा से इंट्रोड्यूस करवाया था। इस केस में एक और आरोपी सलमान को भी पकड़ा गया है। महाराष्ट्र एटीएस चीफ सदानंद दाते के निर्देशन में आईजी अनिल कुंभारे और एटीएस की जुहू यूनिट के चीफ अजय सावंत ने मुंबई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके यूपी एटीएस को सौंप दिया। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि मोहम्मद रईस और अरमान सैयद मुंबई में लंबे समय तक साथ में रहे, लेकिन ये दोनों सलमान से सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे। सलमान अलग कनेक्शन से आईएसआई के एक हैंडलर और खुद मुन्ना झिंगाड़ा से संपर्क में रहता था। आईएसआई आतंकवादी साजिश के लिए सलमान को रकम भिजवाता था और सलमान इस रकम को मोहम्मद रईस को यूपी में भिजवाता था। कई बार मोहम्मद रईस का यूपी से मुंबई में सलमान को फोन भी आया था कि क्या तुम्हारे पास रकम आई, मुझे तत्काल भिजवा दो। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि आईएसआई ने मुन्ना झिंगाड़ा के जरिए उत्तर भारत में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमले साजिश रची थी, ऐसे सामने आया मुंबई लिंक। जब मोहम्मद रईस को गोंडा से पकड़ा गया और उसे पूछताछ में मुंबई लिंक सामने आया, तो यूपी एटीएस की टीम मुंबई आई। जांच में यह बात सामने आई कि आईएसआई के निर्देश पर मुन्ना झिंगाड़ा ने ही अरमान सैयद को भारत में युवाओं की भर्ती का जिम्मा सौंपा था। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।